सभी दर्शकों का स्वागत है समय चक्र में। आपके साथ मैं हूं कौशाम्बी। आज हमारे साथ मौजूद हैं पंडित राम जी मिश्र। जैसा कि पहले आपने शनि ग्रह के बारे में पंडित जी ने बताया था, आज हम चर्चा करेंगे राहु ग्रह के बारे में कि जातक की कुंडली पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। पंडित जी, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। पंडित जी, आपने शनि ग्रह के बारे में बताया था, आज हम जानना चाहेंगे कि राहु ग्रह का क्या प्रभाव पड़ता है जातक के जीवन पे। ओम रांग राहवे नमः। और अब हम चर्चा करेंगे शनि के बाद राहु ग्रह की। राहु ग्रह जो छाया ग्रह है, राहु ग्रह हम ब्रह्मांड में उसको देख नहीं पाएंगे, वो कहां पर राहु ग्रह है, क्योंकि राहु ग्रह हमारे आपके बीच में है। राहु ग्रह हर एक ऐसे स्थान पर है, जैसे नदी के तट पर दोपहरी के समय में और एकांत में, जहाँ पर मनुष्य भय डर रहता हो, भय रहता हो, बहुत निगेटिव सोचता हो, बहुत बुरे ख्याल आ रहे हों, या मानसिक तनाव से ग्रसित हो, या आत्महत्या के लिए मन में विचार उत्पन्न हो रहे हों, या घर छोड़ने के मन में विचार उत्पन्न हो रहे हों, या पागलपन की स्थिति है, ये सभी राहु ग्रह के द्वारा संभव है, क्योंकि राहु ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन में, हर एक मानव जीवन में आता है। लेकिन अगर राहु प्रारंभ से ही हमारे जीवन में आ गया तो हमारी शिक्षा को, जैसे बालकपन से किसी के आ गया तो शिक्षा में अवरोध उत्पन्न करेगा, विवाह के समय आ गया तो विवाह नहीं होने देगा, अर्ध कार्यम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमामि। अर्ध कार्य आधे पे लटकाता है। कोई भी कार्य, आप नौकरी करने जा रहे हैं, नौकरी के लिए आप तैयार हैं और राहु की महादशा में हैं, तो आपकी नौकरी में भी अवरोध ला सकता है। आप विवाह करना चाह रहे हैं, विवाह में अवरोध ला सकता है। आप किसी से प्रेम करते हैं, उसमें धोखेबाजी आपको उठानी पड़ सकती है, या आप मानसिक उलझे रह सकते हैं। राहु एक अच्छा ग्रह भी माना गया है। राहु के अच्छा होने से क्या होता है? राहु ग्रह अगर अच्छा हो गया तो आपको बहुत ही सफलता दिलाएगा और बहुत ही साहस प्रदान करता है, फिल्म इंडस्ट्री में नाम हो जाता है, क्योंकि राहु चित्र छाया हमको फेमस करने वाला, टीवी, आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ सकते हैं, पत्रकारिता आप कर सकते हैं, आप जगह जगह फेमस हो सकते हैं, राजनीति में बहुत अधिक सफलता दिलाने वाला ग्रह राहु है। राहु के कई प्रकार के उपाय भी हैं। अगर राहु हमारा कहीं से भी अरिष्ट है, या हम राहु से प्रभाव से, दुष्प्रभाव से ग्रसित हैं, तो हमको चाहिए कि हम राहु का जप करवाएं। राहु का जप वैदिक 18,000 राहु की जप संख्या है, वैदिक आप जप करवा सकते हैं, या स्वयं जप करके आप हवन कर सकते हैं। 18,000 का चतुर्गुणा करके 72,000 जप आप स्वयं कर सकते हैं, या अपने आचार्य द्वारा, ब्राह्मण द्वारा आप करा सकते हैं। राहु को प्रसन्नता करने के लिए आप दुर्वा गणेश जी को चढ़ावें, या दुर्वा से नित्य होम करें। चिड़ियों को दाना डाल सकते हैं, या मछलियों को दाना डाल करके भी राहु को शांत किया जा सकता है। अगर अंगूठी धारण करना चाहते हैं तो गोमेद की अंगूठी बीच वाली उंगली में पुरुष के दाहिने हाथ में और स्त्री के बाएं हाथ में धारण करके भी राहु ग्रह को प्रसन्न कर सकते हैं। या बकरी का दान है, भैंस का दान है, अगर बड़े स्तर पे आप दान करना चाहें तो इस प्रकार से दान करके, कुत्ते को रोटी खिला के आप राहु ग्रह को प्रसन्न कर सकते हैं।
राहु ग्रह एक बहुत ही ऐसा ग्रह है जो हमको दिखता नहीं है, लेकिन परेशान मनुष्य को सबसे अधिक राहु ही करता है। इसलिए राहु से बचने के लिए आप हनुमान जी की आराधना भी कर सकते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का राशिफल? अब हम चर्चा करेंगे 12 राशियों के बारे में। वर्तमान समय में सभी लोग कुछ न कुछ अपनी राशि को लेकर के बहुत ही चिंतित रहते हैं कि हमारी राशि में वर्तमान समय में क्या होने वाला है, तो सभी 12 राशियों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे प्रथम राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातक वर्तमान समय में यात्रा के योग हैं और इस समय थोड़ा सा मानसिक भी परेशान है, इसलिए हनुमान जी की आराधना करें और आपका समय बहुत ही अच्छा होने वाला है। चर्चा करेंगे वृष राशि वाले जातकों के लिए। वृष राशि वालों जातकों के लिए आपका समय बहुत ही अच्छा चल रहा है, बेहतर समय है। थोड़ा धन का व्यय इस समय अधिक हो रहा है, इसलिए आप धन को रोकने के लिए भगवान विष्णु की आराधना और माँ लक्ष्मी जी का पुरुष सूक्त लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें, जिससे आपका यह समय जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चर्चा करेंगे मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये समय थोड़ा मानसिक तनाव भरा है। बुधवार का दान करते रहें, जिससे आपके जीवन में बहुत अच्छा प्राप्त होगा, फल प्राप्त होगा। और संतान को लेके भी थोड़ा चिंतित हैं, जिससे संतान जिनके होने वाली है उनके वर्तमान समय में अच्छा संतान सुख प्राप्त हो सकता है। नौकरी के भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। चर्चा करेंगे कर्क राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि हल्का सा दांत में पीड़ा होने की, मानसिक तनाव इसमें बहुत बढ़ा हुआ है। किसी प्रकार से शिव जी को आप जल चढ़ावें या दूध अर्पण करें, क्योंकि शिव जी कुटुंब में भी कोई ऐसी चीजें सुनने को मिल सकती हैं परेशानी भरी, इससे आप शिव जी को दूध चढ़ावें, जिससे आपका समय बहुत ही बेहतर हो जाएगा। लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, इसलिए यात्रा में भी थोड़ा सा कष्ट उठाने की संभावना है, इसे यात्रा बहुत ही संभल के करें। चर्चा करेंगे सिंह राशि वाले जातकों के लिए। सिंह राशि वाले जातक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें, देव गुरु बृहस्पति की आराधना करें। देव गुरु बृहस्पति उनका थोड़ा सा अरिष्ट है, अभी बहुत अच्छा होने वाला है। इससे बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का दान मंदिर में जाकर के करें, ये समय उनका बहुत ही बेहतर होने वाला है। चर्चा करेंगे कन्या राशि वाले जातकों। कन्या राशि वाले जातकों का समय बहुत ही बेहतर चल रहा है। वर्तमान समय में किसी प्रकार का कोई नशा या किसी अजनबी से बहुत संभाल सोच समझ करके संबंध बनावें, क्योंकि उससे आपको धोखा मिलने के योग बन रहे हैं या वो आपको बिगाड़ने का प्रयास कर सकता है, इससे कन्या राशि वाले थोड़ा सतर्क रहें और हरी वस्तुओं का दान करते रहें। चर्चा करेंगे तुला राशि वाले जातक। तुला राशि में वर्तमान समय में किसी भी प्रकार के चोट चपेट की संभावना है, इसलिए मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने घर पर एक हनुमान जी का ध्वजा तुला राशि वाले हनुमान जी को स्पर्श करा करके हरे बांस में अपने घर पे लगा दें, जिससे उनके जो भी कार्य हैं वो सभी शीघ्र पूर्ण होंगे। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो मंदिर में जा करके बजरंगबली के मंदिर में एक ध्वजा अपने नाम का अपना लेकर के लगवाएं, जिससे उनका कार्य सभी पूर्ण होगा। चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। वृश्चिक राशि शनि का थोड़ा सा प्रभाव, निगेटिव प्रभाव
आपके ऊपर पड़ रहा है। इसलिए प्रयास करें, कोई भी गलत अपने से कार्य न करें। किसी का अगर पैसा आपने हड़पा है तो उसको शीघ्र वापस करने का प्रयास करें। वर्तमान समय आपका थोड़ा सा परेशानी भरा है, इससे थोड़े से हनुमान जी के उपाय करके आप अपने समय को और बेहतर कर सकते हैं। चर्चा करेंगे धनु राशि वाले जातक। धनु राशि वाले जातक, आपका समय बहुत ही बेहतर है। बृहस्पति की आराधना करें, हल्दी डाल करके दूध पिए। आपके जो रुके हुए कार्य हैं, जो अभी थोड़ी सी परेशानियां आपके जीवन में आई हैं, उन सबसे निपटने का समय आ गया है। आपका समय बेहतर होने वाला है, क्योंकि 7.5 भी आपके ऊपर से उतर रही है। इससे जो आपकी परेशानियां थी, उनसे आप निपटने के समय आपका चल रहा है, और आपका समय इससे बेहतर, जो भी आप चाह रहे हैं वो सभी चीजें आपकी पूर्ण होंगी। चर्चा करेंगे मकर राशि वाले जातक। मकर राशि वाले जातक, कुटुंब में कोई भी समस्या होने की संभावना है। पत्नी के स्वास्थ्य में विशेष ध्यान रखना होगा, और यात्राएं थोड़ी हो सकती हैं। मन आपका अपने कार्य में बहुत ही अधिक उलझने की संभावना है। बहुत अधिक आप कार्य को लेकर के चिंतित होंगे, जिससे थोड़ा सा मानसिक तनाव आपके परिवार को लेकर के बढ़ जाएगा। चिड़चिड़ापन आपके स्वभाव में देखने को मिल रहा है। इसलिए आप हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करके ही अपने कार्य क्षेत्र में आप निकलें, आपको सफलता मिलेगी। चर्चा करेंगे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। कुंभ राशि जो कि मध्य 7.5 से गुजर रहे हैं, उनके दांत में और घुटनों में, कमर में पीड़ा होने की संभावना है। इसलिए शनिवार के दिन गरीबों में खिचड़ी का दान अथवा छाया दान करते रहें, जिससे आप शनि के 7.5 के प्रभाव से बचते रहेंगे और आप सभी कार्य अपने आसानी से कर सकेंगे। चर्चा करेंगे मीन राशि वाले जातकों। समय बहुत बेहतर आने वाला है। वर्तमान समय में आपका मन धन में लगा हुआ है, आप धन की चाह कर रहे हैं, और धन की प्राप्ति के आपके कुंडली में योग भी बन रहे हैं। इसलिए बृहस्पति की आराधना करें। बृहस्पतिवार को हल्दी एक लाल कपड़े में बांध करके, पीले या लाल कपड़े में, अपने घर में तिजोरी में रखें, जिससे आपके धन की वृद्धि के योग बहुत प्रबल बने हुए हैं। एक लाल कपड़े में हल्दी और धनिया बांध करके बृहस्पतिवार के दिन अपने घर में रख दीजिए, तो जो आप इतने दिन से धन की लालसा कर रहे हैं, वो आपके पूर्ण होने के योग आ गए। धन की अधिक प्राप्ति इस वर्ष होगी, एक साल तक उसको अपने घर में रखे रहे। हमारे साथ समय चक्र में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।